वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फेशियल। यस गाइस, मैंने आप लोगों से इंस्टाग्राम पे भी पूछा था कि आप लोग एक फेशियल का वीडियो देखना चाहते हैं कि नहीं, एंड काफ़ी ज़्यादा मुझे वोट्स आए थे कि यस हम देखना चाहते हैं। सो आई थॉट कि मुझे आप लोगों के साथ एक फेशियल ट्राई करना चाहिए। एंड अगर आप लोगों को भी ये बहुत सारे मिथ हैं इस टाइप के कि आप लोग घर पे फेशियल नहीं कर सकते, आप लोग सलोन जाके ही फेशियल करवाएंगे, एंड इन केस अगर आप लोगों ने फेशियल कभी किया भी नहीं है घर पे, सो दिस इज़ द वीडियो फॉर यू। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप सलोन जैसा फेशियल घर पे कैसे कर सकते हैं विद जस्ट वन प्रोडक्ट, जो है मेरे पास यहाँ पे ये डर्म डॉग की फेशियल किट। इस फेशियल किट के साथ आज मैं फेशियल करने वाली हूँ एंड हम इस किट को ट्राई भी करेंगे क्योंकि मैंने इसको अभी तक नहीं ट्राई किया। मेरे पास ये काफ़ी टाइम से थी, मैंने इसको ट्राई नहीं किया, मुझे नहीं पता ये फेशियल किट कैसे काम करती है। तो हम इसको ट्राई भी करेंगे, ये कैसे काम करती है कैसे नहीं करती इसके रिजल्ट्स भी पता चल जाएंगे एंड साथ में एक फेशियल भी हो जाएगा, सलोन टाइप फेशियल एट होम। एंड इस किट का जो प्राइस है वो है ₹155, बट मुझे ये डिस्काउंट पे मिली थी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस किट का लिंक मिल जाएगा आपको, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड वीडियो के एंड तक अगर आपको अच्छा लगेगा ये किट, इसका रिजल्ट अगर हमें अच्छा लगता है एंड आपको मेरा फेशियल करना अच्छा लगता है जो मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी, सो आप ये किट ले सकते हैं। एंड ये वन टाइम किट है, इससे आप घर पर बैठ के आराम से फेशियल कर सकते हैं। सो फटाफट करते हैं स्टार्ट वीडियो, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल राइट, स्टार्टिंग विद द फेशियल किट। ये है मेरे पास डर्म डॉग की डार्क स्पॉट रिडक्शन फेशियल किट विद नायासिनामाइड एंड सोडियम एक्सोबिक एसिड। सो सबसे पहले फेशियल स्टार्ट करने से पहले मैं अब एक हेडबैंड लगा रही हूँ यहाँ पे, ताकि जो भी मेरे प्रोडक्ट्स हैं वो मेरे बालों पे ना जाए एंड मेरे बाल ख़राब ना हो। सो एज़ यू कैन सी इन दिस किट, इस किट में आपको पाउचेस मिल जाएंगे एंड 4 से 5 पाउचेस मिल जाएंगे एंड हर एक पाउच के ऊपर नंबर लिखा होगा प्रॉपरली, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी फेशियल करने में। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पाउच, इसमें है हमारे पास यहाँ पे क्लींजर। ये क्लींजर क्या करता है, बेसिकली एक टाइप का फेस वॉश ही है, जैसे आप फेस वॉश यूज़ करते हैं वैसे ही आपको इसके क्लींजर को यूज़ करना है। पाउच को मैं खोल लूँगी, एज़ यू कैन सी जेल टाइप की कंसिस्टेंसी है इसकी, बहुत ही अच्छा सा क्लींजर है ये। हैंड क्लींजर को लेके आपको अच्छे से मसाज करनी है अपने फेस के ऊपर, जैसे आप फेस वॉश को यूज़ करते हैं, बट इसको आपको थोड़ा सा लंबा टाइम रखना है, 3 to 5 मिनट्स तक आपको अच्छे से मसाज करनी है, बहुत ही जेंटल मोशन में, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना अपने फेस के ऊपर, बहुत ही प्यार से आराम से अपनी स्किन को ट्रीट करना है, जैसे आप कोई बेबी की स्किन को ट्रीट करते हैं उस टाइप से आपको अपनी स्किन को ट्रीट करना है, बहुत ही प्यार से आराम से जेंटल प्रेशर के साथ। एंड उसके बाद अगर आपको लगे कि ज़्यादा ड्राई हो रहा है आपका स्किन, तो आप हल्का सा पानी लेके इसको दोबारा से लेदर कर सकते हैं, दोबारा से मसाज करनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपको आराम से लाइक 3 to 5 मिनट्स तक आराम से प्यार से मसाज करनी है अच्छे से अपने फेस के ऊपर। उसके बाद आप इसको रिंस ऑफ कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं या एक टॉवल की हेल्प से, जैसे मैं इसमें रिंस ऑफ कर रही हूँ टॉवल की हेल्प से, मैं इसको सारा रिमूव कर रही हूँ क्लींजर को। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, अभी आप देख सकते हो ये मेरा क्लींजर के बाद वाला फेस है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं स्क्रब की तरफ, सेकंड जो स्टेप है वो है स्क्रब। तो स्क्रब काफ़ी अच्छा था इनका, मैं देख रही थी इसकी जो कंसिस्टेंसी थी वो काफ़ी क्रीमी थी इस स्क्रब की। थोड़ा सा पानी लेके स्क्रब को मैं मसाज कर लूँगी अपने फेस के ऊपर। नाउ स्क्रब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारे फेशियल का, व्हाट अ स्क्रब डज। स्क्रब आपके जितने भी पोर्स होंगे, जितने भी डर्ट है आपके फेस के ऊपर, जितने भी आपके अंदर क्लॉग्ड पोर्स हैं उनको क्लीन करता है एंड बिल्कुल अपनी आपकी डीप लेयर्स में जाता है प्रॉपरली, एंड जितने भी आपके पोर्स हैं उनको ओपन कर देता है बेसिकली। सो बहुत ही जेंटल प्रेशर में आपको इसको स्क्रब करना है। सो ये जो स्क्रब था काफ़ी ज़्यादा क्रीमी था, तो मेरे को थोड़ा सा टाइम लग रहा था इसको मसाज करने में। सो एज़ यू कैन सी, इस टाइप से आपको ऐसे हाथ लेके एंड इसको आपको इसको मसाज करना है अपने फेस के ऊपर, अपने आईज़ के ऊपर, बहुत ही प्यार से आराम से आपको इसको स्क्रब करना है। 3 to 5 मिनट्स तक आप अच्छे से अपने फेस को स्क्रब कीजिए एंड अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई लग रही है आपको या काफ़ी टाइम से आपने स्क्रब नहीं किया, तो आप 5 से 7 मिनट स्क्रब कर सकते हैं आराम से, बहुत ही
डेंटल प्रेशर में जैसे आप देख सकते हो बहुत ही आराम से मैं कर रही हूँ। स्पीड हल्की सी मैंने तेज की है इसलिए आपको हैंड थोड़ा सा मेरा ज़्यादा लग रहा होगा। सो आप ऐसे हाथ बंद करके मुट्ठी बंद करके भी आराम से अपने फेस को स्क्रब कर सकते हैं, बट बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना आपको। उसके बाद एक कॉटन, डैम्प कॉटन लेके आप सारे स्क्रब को रिमूव कर लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। आप कोई भी क्लॉथ का यूज़ कर सकते हैं, आप वॉश भी कर सकते हैं अपने फेस को, बट मुझे चाहिए था कि हल्का हल्का फेस में मेरे प्रोडक्ट रहे इसलिए मैंने ये यूज़ किया है। एंड एज़ यू कैन सी स्क्रब के बाद मेरी ऐसी लग रही स्किन। इसके बाद मैंने अपने फेस को स्टीम दी थी अच्छे से, ताकि अच्छे से मेरे जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाए। नेक्स्ट हम चलते हैं ब्लैकहेड्स की तरफ। अब इसमें मैं अपने ब्लैकहेड्स रिमूव कर रही हूँ, जिसके लिए मैं ये ब्लैकहेड्स रिमूवल टूल यूज़ कर रही हूँ, पर बहुत ही प्यार से एंड जेंटल प्रेशर दे के आपको अपने ब्लैकहेड्स को रिमूव करना है। बिल्कुल भी आपको ज़ोर से खींचना नहीं है अपने ब्लैकहेड्स को। जहाँ जहाँ पर भी आपको ब्लैकहेड्स लग रहे हैं वहाँ पर आप वाइट हेड्स, ब्लैकहेड्स अपने निकाल सकते। मेरे यूजुअली इतने ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि मैं आराम से हफ्ते में एक दो बार अपने ब्लैकहेड्स निकाल लेती हूँ, इसलिए मेरे हल्के हल्के ब्लैकहेड्स ही थे जो मैंने रिमूव कर लिए थे यहाँ पे, एज़ यू कैन सी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं टोनर की तरफ। यहाँ पे ये जो थर्ड स्टेप था उसमें इन्होंने टोनर दिया था। टोनर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेशियल में। सो एज़ यू कैन सी जेल टाइप की कंसिस्टेंसी थी एंड बहुत ही प्यारा था ये टोनर। इनके सारे प्रोडक्ट्स ना बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही कूल से लग रहे थे मुझे अपनी स्किन में, लगाते ही ठंडा ठंडा इफेक्ट आ रहा था। एज़ यू कैन सी मैं बिल्कुल अच्छे से लेके टोनर को जस्ट पैट कर रही हूँ अपने स्किन के अंदर। मैं अच्छे से प्रेस कर रही हूँ टोनर को, ताकि मेरी स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए टोनर। एंड एज़ यू कैन सी टोनर लगाते ही एक से दो मिनट के अंदर अंदर वो सारा टोनर अब्जॉर्ब हो गया मेरी स्किन के अंदर, पता भी नहीं चला कि वो कहाँ गया। नाउ फॉर द नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप है हमारे पास यहाँ पे क्रीम। क्रीम को हम यूज़ करेंगे एंड एज़ यू कैन सी मैं क्रीम को अपने हैंड पे मैंने ले लिया एंड इसके अंदर थोड़ा सा पानी लेके मैं क्रीम को मसाज करूँगी। क्रीम इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन एनी फेशियल। ये सबसे मेन स्टेप है हमारे फेशियल का। सो इसी से पूरे फेशियल की जो गेम है वो चेंज होएगी। सो एज़ यू कैन सी बहुत ही आराम से लाइट प्रेशर में, जेंटल प्रेशर में आपको मसाज करना है अपने फेस को क्रीम लेके। एंड जब भी आपको लगे कि क्रीम ज़्यादा ड्राई हो रही है, तो आप हल्का सा पानी और लेके ऐड करके उसको क्रीम को दोबारा से उसकी फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। एंड बहुत ही प्यार से जेंटल प्रेशर देके आपको इसको मसाज करना है। बिल्कुल भी हार्श नहीं होना अपनी स्किन के साथ, बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है आपको अपने स्किन को ट्रीट करते हुए। बहुत ही आराम एंड लाइट हैंड से आपको मसाज करना है। एंड एज़ यू कैन सी आप ऐसे मुट्ठी बंद करके ये वाले प्रेशर बना के भी ऐसे मसाज कर सकते हैं एंड यू कैन सी दैट। सो यू कैन सी कि मैं अब अपने ऐसे फिंगर्स को ऐसे करके एंड उसके बाद अपने फेस को थोड़ा सा मसाज करने की कोशिश कर रही हूँ। सो आपको इस टाइप से पॉइंट्स बना के अपने फेस को मसाज करनी है खुद से। जब आप करेंगे फेशियल तो आप रियलाइज करेंगे कि कैसे करनी है। एज़ यू कैन सी मैं अपनी जॉ लाइन पे ऐसे मसाज कर रही हूँ एंड सेम अपने चीक बोन्स पे भी एंड जहाँ पे हमारे चिन है एंड यू नो एप्पल्स ऑफ चीक है उस पे भी मैं ऐसे लेके फिंगर्स को लेके मसाज कर रही हूँ। सो व्हाट इट बेसिकली डज, ये जितना भी आपका ब्लड है, आपके ब्लड फ्लो है आपके फेस का, वो काफ़ी अच्छे से ये यू नो चला देता है। लाइक एकदम ना ओवरऑल आपका फेस काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है डीपली। एंड ब्लड जो फ्लो है वो कई बार रुक जाता है हमारे फेस का जब हम अच्छे से मसाज नहीं करते, तो ये सारे ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करने में हेल्प करती हैं ये सारे मसाज के दो स्टेप्स होते हैं। सो एज़ यू कैन सी अपनी नेक को बिल्कुल भी मत भूलें, नेक के ऊपर भी अच्छे से मसाज करने। एज़ यू कैन सी जैसे मैं इसमें कर रही हूँ, आप ऐसे हैंड से नेक के ऊपर, उसके बाद फेस के ऊपर, उसके बाद अपने फॉरहेड के ऊपर, फिर अपनी नोज़ पे, चिन पे, अपने जॉ पे, सारी जगह पे इस टाइप से आप मसाज कर सकते हैं, बट ऑन अ वेरी जेंटल प्रेशर। सो एज़ यू कैन सी यहाँ पे मेरी क्रीम काफ़ी हद तक मेरे फेस ने सोक कर ली थी एंड मैं हल्के हल्के प्रेशर से बिल्कुल लाइट हैंड से लास्ट में अपने फेस को एक बार टच दे रही हूँ कि ओवरऑल जो मेरा फेस है वो बैलेंस रहे और बिल्कुल भी हार्श ना लगे कहीं पे भी कोई भी प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट मेरा पूरी अच्छी तरह से जो क्रीम है वो मेरे फेस के अंदर सोक हो जाए।
सो बहुत ही लाइट हैंड में आपको ये सब कुछ करना है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना अपने हैंड के ऊपर। एंड उसके बाद एक डैम्प कॉटन से मैं इसको रिमूव कर लूँगी क्रीम को। सो आप वॉश भी कर सकते हैं अपने फेस को, बट आई लाइक कि थोड़ा सा प्रोडक्ट रहे मेरे स्किन के अंदर, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है तो मुझे बहुत ज़्यादा हार्श नहीं चाहिए था अपना फेस, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं चाहिए था। नेक्स्ट हम चलते हैं फिफ्थ प्रोडक्ट की तरफ, जो है ये मास्क। ये काफ़ी डिफरेंट सा मास्क है, यहाँ पे पील ऑफ मास्क है बेसिकली, यू कैन सी। सो इस टाइप की जेल टाइप की इसकी कंसिस्टेंसी थी एंड ये काफ़ी ज़्यादा थिक मास्क था। एज यू कैन सी जब मैं इसको लगा रही हूँ तो ये जेल फॉर्म में आ रहा है, बट काफ़ी ज़्यादा थिक है इसका टेक्सचर जो है। सो मेरे से एक गलती हुई यहाँ पे, इसको लगाते टाइम मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था पील ऑफ मास्क, मैंने कभी नहीं ट्राई किया था, मुझे नहीं पता कैसे होते थे। सो मैंने यहाँ पे बहुत ही पतली और थिन लेयर लगाई थी। सो आई विल सजेस्ट अगर आप पील ऑफ मास्क लगा रहे हैं तो काफ़ी मोटी लेयर लगाएं, तभी आपको ईजी रहेगा इसको पील ऑफ मास्क को बाद में निकालना। अदरवाइज़ जो मैं अभी स्ट्रगल फेस करूँगी आप भी वही फेस करोगे। सो एक पील ऑफ मास्क को आप इस टाइप से लगा सकते हैं, थोड़ी थिक लेयर में अपने फेस पूरे फेस के ऊपर एक पील ऑफ मास्क को लगा सकते हैं। एज यू कैन सी जैसे मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, तो बट ये मास्क बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, बहुत ही ठंडा ठंडा इफेक्ट आ रहा था इसको लगाते हुए। एंड इसको मैं 15 से 20 मिनट रखूंगी एंड एज यू कैन सी 15-20 मिनट बाद मेरा मास्क बिल्कुल ड्राई हो चुका है। मैं हाथ लगा के देख रही हूँ, मेरे हाथ पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं आ रहा। उसके बाद मैं इसको पील ऑफ करना स्टार्ट करूँगी। साइड से आप लेके इसको पील ऑफ करें, बट ऑन वेरी जेंटल प्रेशर, बिल्कुल भी एकदम से आपको ऐसे उखाड़ना नहीं है अपने पील ऑफ मास्क को। बहुत ही प्यार से हल्के हल्के स्ट्रोक्स लेके आपको इसको रिमूव करना है। बट इसको रिमूव करने के बाद मुझे एक चीज़ पता चली कि ये इसने जो पूरा मॉइस्चर था मेरे फेस का वो सोक कर लिया था। सो आई विल सजेस्ट कि अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ये जो किट है ये आपके लिए इतनी अच्छी वर्क नहीं करेगी, ये मास्क बेसिकली वर्क नहीं करेगा इतना अच्छा। सो एज़ यू कैन सी दिस इज़ द बिफोर एंड दिस इज़ द आफ्टर, बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं दिखा मुझे इसमें। ऑल राइट यू गाइज, सो ये है मेरा फेशियल। सो एज़ यू कैन सी दिस इज़ माई फेस आफ्टर द फेशियल एंड इट लुक्स प्रिटी गुड। मुझे काफ़ी अच्छा लगा फेशियल, मुझे करते हुए बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड सबसे अच्छी बात कि इसके जो स्टेप्स थे वो बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज थे, आपको बिल्कुल भी मतलब आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे स्टेप्स में, क्योंकि हर एक पाउच के ऊपर प्रॉपरली लिखा हुआ है कौन सा स्टेप कैसे करना है, कितनी देर आपको इसको रखना है। सबसे अच्छी बात मुझे इस फेशियल की, इसका जो लास्ट स्टेप है, इसका जो मास्क है वो बहुत अच्छा लगा, पील ऑफ जो मास्क था। तो मैंने आज तक कभी भी पील ऑफ मास्क नहीं ट्राई किए थे, हल्की सी थोड़ी सी गड़बड़ हुई मेरे से कि मुझे लगता है मैंने पील ऑफ मास्क बहुत ही ज़्यादा पतली लेयर में लगाया था। सो पील ऑफ मास्क हमें आई थिंक थोड़ी मोटी लेयर में लगाने चाहिए ताकि वो उतरे थोड़ी इजीली, तो मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा उसको उतारते टाइम। एक चीज़ मुझे थोड़ी सी अभी लग रही है अपनी स्किन में, ये करके लाइक फील टच करके मैं देख रही हूँ कि जो लास्ट में वो मास्क लगाया था मैंने, उसकी वजह से ना मास्क ने सारा जो हाइड्रेशन था, जो पूरा मॉइस्चर था मेरे फेस का, वो पूरा ना मतलब ख़त्म कर दिया, वो पूरा खींच लिया उस मास्क ने। बिकॉज मेरी कॉम्बिनेशन जो ड्राई स्किन है, अभी विंटर्स आ रही है तो मेरी कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगी स्किन, तो आई थिंक ये जो फेशियल है, ये जो किट है, ये ज़्यादा बेटर रहेगी ऑयली स्किन के लिए। सो ये जो प्रोडक्ट्स हैं मैंने आधे आधे पाउच बचा लिए, क्योंकि मेरे फेस पर पूरा पाउच नहीं लगना था। मैं इसको दोबारा ट्राई करूँगी अपनी मम्मा के ऊपर, मेरी मम्मा की ऑयली स्किन है तो मैं उनके ऊपर ट्राई करूँगी। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर आप लोगों को मेंशन भी कर दूंगी कि ये ऑयली स्किन के ऊपर मेरी मम्मा के ऊपर कैसा वर्क किया, जो ऑयल था उसने वो सोक किया कि नहीं किया। सो मैं आप लोगों को एक बार वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स अच्छे से पढ़ लें। बट ओवरऑल जो मुझे रिजल्ट लगा इस फेशियल का, काफी ज्यादा अच्छा लगा। एंड अगर आप कोई अफोर्डेबल सा फेशियल ट्राई करना चाहते हैं एंड घर पे आप फेशियल करना चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस फेशियल, बहुत ही अफोर्डेबल है। 140 to 150 rupees में आपको ये किट मिल जाएगी। अगर आप इसके अलावा कोई और किट भी ट्राई करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं मार्केट में, VLCC, शारल, यू नो अलॉट ऑफ ब्रांड्स, अलॉट ऑफ गुड ब्रांड्स। अगर आप प्रोफेशनल रेंज में भी ट्राई करना चाहते हैं, शारल है, O3 है, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, तो आप किसी भी ब्रांड का ट्राई कर सकते हैं। जो ओवरऑल स्टेप्स रहेंगे फेशियल के वो इसी तरह रहेंगे, आप यही सारी टेक्निक से अपने फेशियल को घर पे कर सकते हैं। बट अगर आप बिल्कुल अफोर्डेबल कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो आप ये डर्म डॉक का ट्राई कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ। एंड मैं इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हूँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, माय इंस्टाग्राम हैंडल इज राइट देयर, यू कैन फॉलो मी इंस्टाग्राम एज वेल। एंड मैं आप लोगों से मिलती हूँ अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।